क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। अभी डेढ़ घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका एक डेढ़ महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है उसका टेंडरनेस है और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है। पैर उड़ में झुंझुनाहट ही सब हल्का फल्का, और सब तरह से ठीक है, बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल रूटीन जांच उनका लिखा गया है, कल करा लेंगे। दांत उसमें कुछ दिक्कत बता रहे हैं, दांत का डॉक्टर कल देख लेगा, बिल्कुल ठीक है। सर उनको कहाँ रखा गया और किस तरह की टीम इलाज कर रही है? उनको मेडिसिन आईसीयू में एक रूम है उसी में रखा गया है, और डॉक्टर सीएम झा भी यूसी झा भी आ गए हैं, देख लिए हैं। हम भी जहाँ तक हुआ है अपना उनको सब एडवाइस बता दिए हैं, कैसे सोना है, कैसे चलना है, जो दर्द उर्द कैसे ठीक हो, जो हमारा अनुभव है, जो दवा से हमारे यहाँ कहा हम जानते हैं, जो बेस्ट मेडिसिन इन हाई डोजेज पॉइजन एंड पॉइजन इन लो डोजेज बेस्ट मेडिसिन। हर चीज में दवे काम नहीं करता है, उस चीज में कैसे सोना है उससे दर्द कम जाती है, तो सब हम बता के आए हैं उनको क्लिनिकली, और बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रहेंगे। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। अभी डेढ़ घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका एक डेढ़ महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है उसका टेंडरनेस है और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है। पैर उड़ में झुंझुनाहट ही सब हल्का फल्का, और सब तरह से ठीक है, बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल रूटीन जांच उनका लिखा गया है, कल करा लेंगे। दांत उसमें कुछ दिक्कत बता रहे हैं, दांत का डॉक्टर कल देख लेगा, बिल्कुल ठीक है। सर उनको कहाँ रखा गया और किस तरह की टीम इलाज कर रही है? उनको मेडिसिन आईसीयू में एक रूम है उसी में रखा गया है, और डॉक्टर सीएम झा भी यूसी झा भी आ गए हैं, देख लिए हैं। हम भी जहाँ तक हुआ है अपना उनको सब एडवाइस बता दिए हैं, कैसे सोना है, कैसे चलना है, जो दर्द उर्द कैसे ठीक हो, जो हमारा अनुभव है, जो दवा से हमारे यहाँ कहा हम जानते हैं, जो बेस्ट मेडिसिन इन हाई डोजेज पॉइजन एंड पॉइजन इन लो डोजेज बेस्ट मेडिसिन। हर चीज में दवे काम नहीं करता है, उस चीज में कैसे सोना है उससे दर्द कम जाती है, तो सब हम बता के आए हैं उनको क्लिनिकली, और बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रहेंगे।